नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक नया टॉपिक हमारे सामने है, राजपूताना में आधुनिक शिक्षा का विकास। आप जानते हैं कि 1818 में राजपूताना में राजनीतिक दृष्टिकोण से परिवर्तन आया और अंग्रेज़ों के साथ में सहायक संधियां हुई, और अंग्रेज जब राजस्थान में एंटर हुए तो उनकी उपस्थिति का प्रभाव हमारे यहाँ की सभी संस्थाओं पर पड़ा। 1818 से पूर्व शिक्षा प्रसार निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के योगदान पर निर्भर करता था। अतः 18वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति प्रचलित रही, जिसका उद्देश्य ज्ञान, व्यक्तिगत कल्याण और जीविका निर्वाह के साधन उपलब्ध करवाना था। उस समय यह परंपरागत शिक्षा प्रणाली उस समय की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थी। राजस्थान में मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी, तो उनके यहाँ अपने रिवाज की शिक्षा प्रचलित थी। अजमेर उनका प्रमुख शिक्षा का एक सेंटर था। उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में हिंदुओं, जो साधु संत हैं, उनके मठ या आश्रम जो होते थे, जैनियों के आश्रम जिसको उपासरा कहें, मुसलमानों के मदरसे, ये प्रमुख स्थान थे। पाठशाला और चटशाला आदि के शिक्षक को गुरु एवं जोशी जी, मठ एवं आश्रम के आचार्य व महंत, उपासरा के भट्टारक, मकतब और मदरसे के शिक्षक मौलवी और उलेमा कहलाते थे। ठीक है, पाठशाला के शिक्षक गुरु कहलाते थे, चटशाला के जोशी, मठ और आश्रम के आचार्य व महंत कहलाते थे, उपासरा में जो टीचर थे वो भट्टारक मकतब कहलाते थे, भट्टारक व मकतब, और मदरसे के शिक्षक मौलवी या उलेमा कहलाते थे। अब हम बात करते हैं राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की, जो कि मिशनरीज के द्वारा थी। राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने राजस्थान को अपने सांस्कृतिक प्रभाव में लाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। ईसाई धर्म प्रचारक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे तथा पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की उत्कृष्टता भी प्रदर्शित करना चाहते थे। यानी कि प्रत्येक दृष्टिकोण से पाश्चात्य को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र में डॉक्टर विलियम कैरी के पुत्र जेवज कैरी ने किया। उसने रेजिडेंट आक्टर लोनी की सहायता से 1819 के प्रारंभ में अजमेर और पुष्कर में तथा बाद में भिनाई और केकड़ी में स्कूल उन्होंने अपने खोले। 1836 में अजमेर में प्रथम सरकारी स्कूल स्थापित किया गया, जहां छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। राजस्थान में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए 1860 में ब्यावर में यूनाइटेड प्रेसी बटेरियन
मिशन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ। 1860 में ब्यावर में प्रथम मिशन स्कूल की स्थापना हुई। 1862 में मिशन ने अजमेर में अपना दूसरा स्कूल खोला। तत्पश्चात मिशन स्कूलों में निरंतर वृद्धि होती गई। 1864 में मिशन ने ब्यावर में अपना प्रेस स्थापित किया, जहां पाठ्य पुस्तकें और उनका धार्मिक साहित्य प्रकाशित होता था, प्रिंट होता था, छापा जाता था। अब हम बात करते हैं देसी रियासतों द्वारा प्रयास। देसी रियासतों में सबसे पहले हम बात करते हैं अलवर के महाराजा बने सिंह, जिन्होंने अपने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत का प्रथम प्रयास अलवर में महाराजा बने सिंह। 1842 में पंडित रूप नारायण की सहायता से अलवर में एक स्कूल स्थापित किया गया। 1842 में भरतपुर में भी एक अंग्रेजी स्कूल खोला गया। उनकी यदि हम प्रगति देखें तो संतोषजनक रही। जयपुर की बात करते हैं। जयपुर नरेश वाई राम सिंह, जिनका टाइमिंग था 1835 से 1880, राम सिंह की अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में रुचि थी। स्वाई राम सिंह अतः 1844 ईस्वी में जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना की गई। वो विद्यार्थियों महाराजा स्कूल और कॉलेज जयपुर में अभी भी हैं। 1847 में स्कूल में पहली बार आधुनिक शिक्षा एजुकेशन जो सिस्टम है वो यहाँ पर शुरू किया गया। 1873 में इस स्कूल को इंटरमीडिएट कॉलेज और 1888 में डिग्री कॉलेज और 1900 में इसे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना दिया गया। उस समय तक राजस्थान में यही एकमात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय था जयपुर के अंदर। स्वाई राम सिंह के विशेष प्रयत्नों से वहाँ पे ये कार्य हुआ। अजमेर की बात करते हैं। 1848 में अजमेर में सरकारी स्कूल खोला गया था। इस स्कूल की संतोषजनक प्रगति को देखकर 1861 में एंट्रेंस परीक्षा के लिए इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कर दिया गया। 1868 में इसे इंटरमीडिएट कॉलेज बना दिया गया और 1869 में इसे डिग्री कॉलेज बना दिया गया, जो राजस्थान का पहला डिग्री कॉलेज था, जो कि अजमेर के अंदर 1869 में हुआ। जोधपुर में 1867 में एक अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया गया। 1876 में इसे हाई स्कूल और 1893 में इसे इंटरमीडिएट कॉलेज बनाकर इसका नाम जसवंत कॉलेज रख दिया गया और इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कर दिया गया। 1896 में इसे डिग्री कॉलेज बना दिया गया। बीकानेर में 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसी साल विद्यार्थियों एक नया स्कूल स्थापित किया गया, उसमें अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की व्यवस्था की गई और 1897 में इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कर दिया गया। उदयपुर में महाराणा शंभू सिंह ने 1863 ईस्वी में शंभू रत्न पाठशाला खोली, जिसमें 1865 ईस्वी से इंग्लिश टीचिंग की व्यवस्था भी वहाँ पर हो गई। इस प्रकार विद्यार्थियों 19वीं शताब्दी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान के सभी राज्यों में, राजपूताना के सभी राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जोधपुर में
एक कॉलेज सहित 34, उदयपुर में एक हाई स्कूल सहित 42 और जयपुर में एक कॉलेज सहित 385 शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक राजस्थान यानी कि राजपूताना में अंग्रेजी शिक्षा की निरंतर प्रगति होती रही। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों के प्रयास। इससे पहले जब हम प्रारंभ में हमने शुरू किया था इस टॉपिक को, तो वहाँ भी हमने अंग्रेजी शिक्षा की जो बात की थी अंग्रेजों के द्वारा, वो असल में मिशनरीज के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिशनरीज आ गए थे, तो वो शिक्षा के कार्य में, चिकित्सा के कार्य में, सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे, वो उनका कंट्रीब्यूशन था। अब हम अंग्रेजों के एक प्रयास की बात करते हैं। राजपूत शासकों और सामंतों की अंग्रेजी जो लैंग्वेज है और एजुकेशन है, उसके प्रति कोई विशेष रुचि थी नहीं। इसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजी शिक्षा को आजीविका प्राप्त करने का एक साधन मात्र समझा जाता था, किंतु ब्रिटिश अधिकारी, यहाँ के जो राज्य हैं उनके राजकुमारों को और सामंत पुत्रों को अंग्रेजी टाइप में शिक्षित और दीक्षित करना चाहते थे, ताकि भावी शासक और सामंत अंग्रेजों से सीधी बातचीत करने में सक्षम हो सकें और वे अपनी संस्कृति से टूट सकें। सर्वप्रथम जयपुर स्टेट में 1867 में नोबल्स स्कूल स्थापित किया गया। अब जयपुर में इससे पहले जो प्रयास था विद्यार्थियों, वो सवाई राम सिंह जी का था, लेकिन ब्रिटिश जो प्रयास है वो नोबल्स स्कूल वहाँ पे स्थापित किया गया, जिसमें केवल राजपूत सामंतों के लड़के ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। 1871 ईस्वी में अलवर में, 1875 ईस्वी में जोधपुर में ये इन्होंने अपने स्कूल स्थापित किए, तथा सामान्य राजपूतों के लिए 1896 ईस्वी में इन्होंने एलिगिन राजपूत स्कूल स्थापित किया। इस प्रकार विभिन्न राज्यों के शासकों ने अपने सामंतों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रुचि करने का प्रयास किया, अंग्रेजों के मोटिवेशन के कारण। मेयो कॉलेज 1870 ईस्वी में अजमेर में एक विशेष दरबार आयोजित हुआ था। अजमेर में एक विशेष दरबार आयोजित हुआ था विद्यार्थियों, और उसमें तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने राजकुमारों व सामंतों, सामंत पुत्रों की शिक्षा के लिए अजमेर में एक विशिष्ट कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा। राजपूताना के शासकों ने मेयो के प्रस्ताव का स्वागत किया और भावी कॉलेज के लिए चंदा भी दिया, और 1875 में राजपूत शासकों के चंदे की मदद से अंग्रेजों की जो बुद्धि है उसके अनुरूप 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित हो गया, और इसका प्रथम सत्र अक्टूबर 1875 में शुरू हुआ। राजपूताना के लगभग सभी राज्यों ने कॉलेज प्रांगण में अपने निजी हॉस्टल्स बनवाए। इस सत्र में कुल 23 छात्र थे। मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में अंग्रेजी राज, ताज और पाश्चात्य मान्यताओं के प्रति अगाध भक्ति और श्रद्धा की भावना भरी जाने लगी। उन्हें देश की परंपरागत संस्कृति से सर्वथा भिन्न वातावरण में उनका पालन पोषण, शिक्षक, उनका प्रशिक्षण वो हुआ।
धीरे धीरे मेरे कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, क्योंकि जो राजकुमार है, सामंत पुत्र हैं, अब वो अंग्रेजी सूट बूट टाई और उनको शैक्षिक भ्रमण उनके इंग्लैंड में होते, यूरोप में होते। वो राजपूत जो कभी तपा करके अपने शरीर को युद्ध के लायक बनाया करते थे, घोड़े की पीठ, घोड़े की टाप और तलवार उनको आनंद देती थी, अब उनके जो भावी पीढ़ी है वो डिस्को पीढ़ी है, क्लब पीढ़ी है, घूमने फिरने वाली पीढ़ी है, लग्जरियस पीढ़ी है, वो आराम पसंद है। वो महाराणा प्रताप की तरह या बरावली के पहाड़ों में इधर उधर उन गर्म पत्थरों के बीच में पानी को तलाश करते हुए, भोजन की तलाश करने की जो हिम्मत और जो ताकत है, अब वो इन राजकुमारों की सोच से भी परे है। और ना ही इनका ऐसा कोई ख्वाब है कि वो महाराणा प्रताप बने, राणा सांगा बने। अब वो अंग्रेज टाइप के सूट बूट टाई, अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेजी विस्की, अंग्रेजी दोस्त और उनके दिलो दिमाग पर सब कुछ अंग्रेजी छाया हुआ। नाच गान महफिलें ब्यूटी, ये सब उनके जीवन का शराब, उनके जीवन अंग्रेजी शराब उनके जीवन का अंग बन गया। और वो अंग्रेजी राज को श्रद्धा की भावना से देखने लगे। अपने जो यहाँ की जो संस्कृति थी, जो मान्यताएं, मूल्य, शिष्टाचार, देश प्रेम, देश के लिए मर मिटने की भावना, वो सब उनमें समाप्त हो गई और अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे। अब हम बात करते हैं महिला शिक्षा की। राजस्थान पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होने से पूर्व लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा लड़कों से भिन्न नहीं थी, लेकिन उनकी उच्च शिक्षा घरों पर ही होती थी। लड़कों की जहाँ भी कोई आश्रम है, मठ है, गुरु का घर है, वहाँ तो लड़कियाँ अपने घर पर उनको पढ़ाया जाता था। 19वीं सदी के पूर्व तक स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार था, किंतु अंग्रेजी शिक्षा में लड़कियां अवश्य देर से आईं। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिकतर नौकरी के लिए अथवा निजी व्यवसाय के लिए प्राप्त की जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों को बाबू भी चाहिए थे। स्त्री शिक्षा के संबंध में सर्वप्रथम 1866 में 66 में जयपुर, अजमेर, उदयपुर जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में सरकारी स्कूल खोले गए। आयुर्वेद कॉलेज की यदि हम बात करें तो 1933 में उदयपुर में पहला आयुर्वेद कॉलेज खोला गया और इसे आयुर्वेद मंडल कानपुर से एफिलेटेड किया गया। जयपुर में भी एक आयुर्वेद चिकित्सालय खोला गया। महाराजा जो जयपुर के थे, राम सिंह, उन्होंने डॉक्टर ब्रूर के सहयोग से 1947 में स्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज खोला, जो आज भी जयपुर में है। विधि शिक्षा की बात करें तो 1946 में भोपाल नोबल्स कॉलेज उदयपुर में LLB की कक्षाएं प्रारंभ की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पृथक विधि कॉलेज खोलने का प्रस्ताव बाद में आया, बहुत बाद में आया। बोर्ड एजुकेशन बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की यदि हम बात करें तो जुलाई 1929 में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना अजमेर, मेरवाड़ा सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर बोर्ड की स्थापना की गई।
जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। मैं दोहरा रहा हूँ, इसका नाम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना अजमेर मेरवाड़ा सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर बोर्ड, जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष जयपुर के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के पी चिकलू को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। बोर्ड का मुख्य उत्तरदायित्व पाठ्यक्रम निर्धारण एवं परीक्षाओं का संचालन करवाना था। 1930 में बोर्ड ने पहली बार परीक्षाओं का आयोजन करवाया। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। जनवरी 1947 में जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। दिसंबर 1946 में उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और भरतपुर, अलवर के बाद माफ करना भरतपुर नहीं है, जयपुर ने मिलकर उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया था। इस दृष्टि से भारत में यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसे रियासतों के सामूहिक सहयोग से स्थापित किया गया था। रियासतों के नाम मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थियों, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और जयपुर। आर्य समाज का भी अपना योगदान रहा। आर्य समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया। राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह के अनेक मामले आर्य मार्तंड एवं परोपकारी पत्रिका में प्रकाशित हुए। समाज सुधार की दिशा में आर्य समाज का एक उल्लेखनीय कार्य पर्दा प्रथा का विरोध भी था। शिक्षा के प्रचार ने पर्दे को पहली चोट पहुंचाई। मध्यकालीन राजस्थान में स्त्री शिक्षा का कोई सुप्रबंध नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। परिणाम स्वरूप 1898 में अजमेर में श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। इसी के साथ स्त्री शिक्षा का प्रसार प्रारंभ हुआ। ब्यावर में श्रीमती गोदावरी कन्या पाठशाला, जोधपुर में आर्य कन्या पाठशाला, सुजानगढ़ में आर्य पुत्री पाठशाला तथा अन्य कई नगरों में लड़कियों की शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोली गई। निराश्रित, असहाय, दुखी स्त्रियों की दृष्टि से वनिता आश्रम स्थापित किए गए। पहला वनिता आश्रम अजमेर में खोला गया 1925 में। 19वीं शताब्दी के अंत तक जयपुर में 9, टोंक में 5, कोटा में 4, भरतपुर में 3 तथा बीकानेर, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर व करौली में एक एक महिला स्कूल स्थापित हो चुका था। 20वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर भी स्त्री शिक्षा को बल मिला। और विद्यार्थियों, अंत में हम बात करेंगे पंडित हीरालाल शास्त्री जी के योगदान की। पंडित हीरालाल जी शास्त्री ने 1935 में जीवन शिक्षा कुटीर के नाम से वनस्थली में महिला शिक्षण संस्था स्थापित की लड़कियों के लिए, जो आज भी वनस्पति विद्यापीठ के नाम से बहुत ही पल्लवित और पोषित एक संस्था है। इसमें भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। बाद में वनस्थली में स्थापित जीवन शिक्षा कुटीर का नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया, जो आज एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है और भारत में महिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी। इस प्रकार अजमेर प्रजामंडल के ख्याति प्राप्त नेता श्री हरिभाव उपाध्याय, जैसे हीरालाल शास्त्री जी ने ये प्रयास किया, उसी प्रकार अजमेर प्रजामंडल के जो नेता हरिभाऊ उपाध्याय ने भी अजमेर के निकट अठूड़ी जो गांव है वहां पर महिला शिक्षण संस्था स्थापित की। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये महिला शिक्षा के आज़ादी से पूर्व और अंग्रेज़ों के आगमन के बाद, क्या किस समय, अंग्रेज़ों के आगमन के बाद और आज़ादी के पूर्व राजस्थान में जो आधुनिक शिक्षा का जो एक प्रचार और प्रसार हुआ,
उस पर आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।